आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 6 करने वाले हैं आर एस अग्रवाल के नए बुक 2020 के एडिशन से एक्सरसाइज 2B पॉलीनोमियल का करने वाले हैं। और इससे पहले के सारे मैंने क्वेश्चंस वो करवा दिया है। अगर आपको वो वीडियो नहीं आपने देखा है अभी तक, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, जहां के आपको क्लास 10 पॉलीनोमियल के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पर आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या बोल रहा है कि डिवाइड 5x³ - 13x² + 5x - 14 बाय दिस पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। पहले तो हमें डिवाइड करना है, देन उसके बाद हमें वेरीफाई करके दिखाना है। आइए पहले डिवाइड करते हैं। तो अपन करेंगे क्या कि इसको अरेंज करके लिखेंगे अच्छे तरीके से। अरेंज करके लिखने का मतलब कि पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म को लिखेंगे, तो ये लिखा एक्स स्क्वायर वाला टर्म, देन उसके बाद -2x है तो देन -2x, देन +3 है तो +3, और उसी से हमको डिवाइड करना है इस वाले को। तो ये ऑलरेडी अरेंज करके लिखा हुआ है, यानी कि 5x³ - 13x² + 21x - 14। तो चलिए इसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहला टारगेट तो हमारा ये होना चाहिए कि ये टर्म को हमें कैंसिल आउट करना है। तो इससे इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो ये टर्म हमारा पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली कट जाए। तो देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, यानी कि एक एक्स से तो मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 5 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यानी कि 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर अपन 5x से इसको मल्टीप्लाई कर दें, बाकी और क्या आएगा हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें खाली पहला टर्म इसको लागे कर कैंसिल आउट करना है। तो हमारा ये इतना आ जाएगा। अब देखो, इस 5x से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 5x³ - x³। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ये प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस माइनस, ये टर्म सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी तो ये यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा। 5 × 10 x × x² देन ये 3 है तो 5 × 3 = 15, तो +15x देन और तो कुछ नहीं है, इतना ही है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, हमें मालूम है सबट्रैक्ट करें तो ये टर्म हमारा पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमारा बचा हुआ है। तो देखो ये, क्योंकि हम देखो जब सबट्रैक्ट करते हैं तो ये साइन, सबका साइन चेंज होता है, ये माइनस में, ये माइनस में है तो ये प्लस में, ये प्लस में तो ये माइनस में। अब देखो ये यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो बचेगा हमारा, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, काम करेंगे माइनस का, तो बचेगा हमारा 3 और साइन होगा माइनस वाला, क्योंकि बड़ा ये है हमारा, तो ये साइन आ गया और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। देन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 में से 15 माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 6, तो माइनस में आएगा ना, यानी प्लस में आएगा क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो +6x। ओके चलिए, अब उसके बाद ये टर्म जो है इसको एज इट इज़ उतार दो नीचे, यानी कि -14 को इस वाले -14 को नीचे उतार दिया। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए कि इसको कैंसिल आउट करना है किसी भी तरीके से। तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो हमें सिर्फ यहाँ पर लाना है 3, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 लाना है हमें, तो यहाँ पर माइनस भी है तो -3 लाना होगा। ये थोड़ा सा समझना है कि -3 लाना होगा हमें। तो चलिए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये -3 आ जाएगा, तो ये आ गया -3x² माइनस माइनस प्लस, तो +6 × 3 = +6x हो जाएगा, और ये फिर 3 × 9 प्लस माइनस माइनस, तो -9। अब क्या बचेगा वो देख लो, तो ये साइन चेंज हो जाएगा हमारा, तो ये प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये टर्म कैंसिल आउट, ये 6x, ये प्लस में, ये माइनस में, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा हमारा। देन यहाँ बचा 14, 14 में से 9 को आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर हमारा आएगा -5, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब हमें मालूम है कि डिवीज़न एल्गोरिदम मेथड जो ये है वो हमें मेथड मालूम है, क्या जानते हैं हम लोग फ्रॉम द डिवीज़न एल्गोरिदम से। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फ्रॉम डिवीज़न एल्गोरिदम वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू
डिविजन इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हमें मालूम है अब डिविडेंड हमारा क्या है, डिविडेंड हमारा यही है, इतना ही मुझे लाना है। तो चलिए ठीक है, डिविडेंड की जगह डिविडेंड रहने, तो भी इज इक्वल टू को मैं इज इक्वल टू रहता हूँ, डिविजर की जगह पर मैं डिविजर डाल देता हूँ। डिविजर कितना है हमारा, ये टर्म है डिविजर, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री। तो चलिए तो यहाँ लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर ओके देन माइनस टू एक्स प्लस थ्री, ये हो गया हमारा डिविजर। क्वेश्चन कितना आया है, फाइव एक्स माइनस थ्री, तो यहाँ लिख दो फाइव एक्स माइनस थ्री। और रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा, माइनस फाइव है, तो प्लस माइनस माइनस ही हो तो माइनस फाइव यहाँ डाल दो रिमाइंडर। चलिए अब इसको तोड़ेंगे और देखेंगे कि क्या ये डिविडेंड के बराबर आ रहा है, अगर आया तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं, तो देखो तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तोड़ तो तोड़ो उसको, तो एक्स इंटू फाइव, तो फाइव एक्स क्यूब ठीक। फिर उसके बाद इस 5x को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 दूनी 10, तो माइनस टेन एक्स स्क्वायर। फिर 5x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 थी 15 प्लस 15x ओके। फिर उसके बाद इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्स स्क्वायर से, तो फिर 3 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 3x स्क्वायर। उसके बाद इस 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3 दूनी 6 6x। और उसके माइनस प्लस माइनस, तो ये जगह थे थी 9, तो प्लस 9 यहाँ ले देता हूँ मैं, प्लस 9 और माइनस 5 है तो माइनस 5। तो चलिए अब देखो ये प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो माइनस 9 होगा, माइनस 9 एंड माइनस 5। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और एक स्टेप और लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 5x क्यूब। एक्स क्यूब वाला टर्म हमारा जो यहाँ आ गया, अब आओ स्क्वायर वाला टर्म में, तो स्क्वायर वाले टर्म में देखो क्या हो जाएगा हमारा, कि ये है माइनस टेन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो माइनस थर्टीन एक्स स्क्वायर। अब आइए एक्स वाले टर्म में, तो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 6 है, दोनों प्लस में है तो प्लस कर देंगे, प्लस 15 प्लस 6 21, तो 21 एक्स। और यहाँ देखो माइनस 9 माइनस 5, तो यानी कि माइनस 14, तो माइनस 14, तो इतना ही मेरा डिविडेंड है। तो ये इज इक्वल टू हो गया हमारा डिविडेंड के बराबर, ये हो गया डिविडेंड, डिविडेंड के बराबर हमारा हो चुका है। तो हैंस प्रूव्ड, अब लिख देना कि हैंस वेरीफाइड, वेरीफाई करने के लिए बोला गया था, तो हैंस वेरीफाइड, यही मुझे वेरीफाई करना था। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी था, ज़्यादा कुछ टफ था नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वाले एग्जाम्पल में भी करवाया था। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ के एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। जय हिंद, जय भारत।